आपने एक्टिविटी दी थी देवांश ने पूरी कंप्लीट कर ली। ओके साइराम टू ऑल ऑफ यू, वी विल स्टार्ट अवर क्लास बाय चैंटिंग ओमकारम। Sairam, yes मैम ने जो एक्टिविटी दी थी आप लोगों को, हाउ मेनी यू हैव कंप्लीटेड दिस एक्टिविटी, रेज योर हैंड्स। ऑल यू ओनली रेज योर हैंड्स, आई एम एबल टू सी। ओके, सम ऑफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड टिल नाउ। मैम रॉय ने कर ली, मैम ने मैम अर्पित ने कल फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी, देन आई विल आस्क वन बाय वन। मैम ने जो आपको एक्टिविटी दी थी वो सिर्फ कितने लोगों पर हमको उसका सर्वे करना था, 10 पीपल का। कितने लोगों से पूछना था हमको, सिर्फ 10 लोगों से। कुछ ने 15, किसी ने 18, अपने मन से सबने डाटा अलग अलग किया है, वो गलत है। सिर्फ हमको 10 पर्सन से टॉक करना है, बात करना है, चाहे वो हमारे क्लासमेट्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो, या हमारे नेबर्स हो, या हम अपने घर में किसी से फोन पे करके फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ कितने लोगों से बात करना है, 10 से ज्यादा का सर्वे हमको नहीं करना है, नहीं तो सभी का डाटा अलग 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 हो जाएगा। कुछ बच्चों ने 10 से ज्यादा का भी करके अपने मन से दे दिया है, वो नहीं करना है हमको। तो कितने लोगों का करना है, 10। जिसने 10 से ज्यादा का मुझे भेजा है वो करेक्ट करके दोबारा सेंड करेंगे, रीसेंड करेंगे मुझे। आई एम नॉट कॉलिंग बाय नेम वंस अगेन। जिसने भेजा है 10 से ज्यादा का, उसको पता है, वो अपना करेक्ट करके फिर दोबारा मुझे सेंड करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात आ गई समझ में? Yes. और मैम ने एक्टिविटी दी थी तब भी मैम ने बोला था कि इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, थोड़ा सा कलरफुल बना के सेंड करना है। कुछ बच्चों ने ऐसे ही कॉपी में लिख के, कैसा भी पेंसिल से लिख के दे दिया है। इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन नहीं हुआ तो फिर वो मार्क्स कट भी सकते हैं। A4 साइज पेपर में बनाना है, उसको थोड़ा सा बॉर्डर बना लो, उसको आउटलाइन दे दो ब्लैक कलर के स्केच पेन से, और थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बना के सेंड करो। ये चीज मैम जब भी एक्टिविटी देती है आपको बोलती है, लेकिन आप लोग वैसे के वैसे ही बार बार रिपीट करते हो। बेटा देखो, सभी लोग मानसी का, मानसी ने कितने अच्छे से किया हुआ है। मानसी, शो योर पेपर। A4 साइज के पेपर में उसने उसको बॉर्डर बना के, कलरफुल बना के रिप्रेजेंट किया है। जब उसमें नीटनेस के मार्क्स देना होगा तो मैडम उसमें क्या देगी नीटनेस के मार्क्स, जब उसमें नीटनेस होगा ही नहीं। हो स्नेहल, स्नेहल आर यू प्रेजेंट? स्नेहल हाँ बेटा, देखो मानसी का। मानसी लुक एट, शो मी अगेन योर शीट। मानसी, शिवम, युवराज का सर मैम, युवराज का गद्य
सेंड इट अगेन इन अ प्रॉपर वे। कैसा बना बेटा शिवम, आपको पता है कि आप कैसा बना के भेजते हो? मैम युवराज का गलत था, मैम इस बार कलरफुल बनाया है। सभी लोग जरा मानसी का देख लो, और मानसी ने कितना अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। इसने है मैम अटैक का दो जी 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 इसको हमें सिर्फ 10 पीपल का ही बनाना है, नॉट मोर देन 10। अपने 10 फ्रेंड से बात करो, क्या करो, वो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैम देखो पर्सनल विंडो पे भेजा था। वेरी गुड बेटा, अब हम इसके आगे एक चीज मैम आपको प्रेजेंट कर रही है, और इसको हम कैसे आगे बना सकते हैं वो दिखा रही है मैम वीडियो। लुक एट द वीडियो मानसी, इज इट विजिबल? यस मैम विजिबल। नाउ ऑल ऑफ यू वॉच केयरफुली। जिया हैज कैरीड आउट अ सर्वे एंड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द फेवरेट स्पोर्ट एंड फेवरेट स्नैक आइटम of all her classmates. Look, Jia has used pictographs to represent the information of her survey. इसको हम क्या बोलते हैं? Pictograph. क्या बोलते हैं? Pictograph. जब हमको कोई information pictures के through हम बता रहे हैं तो वो हमारा pictograph बन गया। जैसे हमने कौन कौन से fruits लिए थे, mango, banana, ऑरेंज, पियर, तो यहाँ पर हम उनकी पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। लुक एट केयरफुली बिकॉज अगेन यू हैव टू मेक वन पिक्टोग्राफ। जो एक्टिविटी मैम ने दी है उसका हमको एक पिक्टोग्राफ भी बनाना है। तो एक साइड हम क्या करेंगे, हम फ्रूट्स की ओर ड्रॉ करेंगे, मैंगो ड्रॉ करेंगे, फिर पियर ड्रॉ करेंगे, ऑरेंज, बनाना, हमने फ्रूट्स को ड्रॉ कर दिया। और जो नेम ऑफ पीपल दिया हुआ है, आपने किसी ने 8 लिखा है, किसी ने 4 लिखा है, किसी ने 3 लिखा है, तो उसकी जगह हम इस तरीके से स्माइली बनाकर उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप कुछ और पिक्चर ड्रॉ करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेट्स लुक एट ईच पिक्टोग्राफ सेपरेटली एंड ट्राई टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस। How many students like cricket? Click the correct option. Yes. What is the answer? 10, 9, 8, 7. Who will give the answer first? 10. How many students? Man, 9. 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 The correct option. Which sports is liked by only 5 students? जल्दी से इसको देखो पिक्टोग्राफ को और आंसर करो, कौन सा पिक्चर 5 स्टूडेंट्स लाइक है? 7 क्रिकेट, कौन है, बास्केटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, क्रिकेट, यस, विच स्पोर्ट्स इज मोस्ट लाइक्ड अमंग द स्टूडेंट? सबसे ज्यादा कौन सा गेम पसंद है स्टूडेंट्स को? फुटबॉल मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हू लाइक बास्केटबॉल। यस, क्लिक द करेक्ट ऑप्शन। कौन बताएगा आंसर? मैम 6 क्वेश्चन को रीड करो। बाय हाउ मेनी
रॉन्ग आंसर सिक्स। अब इसको क्वेश्चन को रीड करो ना बेटा। बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल, फुटबॉल को कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं? 3, 3, 6, 10। मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बास्केटबॉल, तो 10 में से बास्केटबॉल को माइनस कर देंगे 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। Here's your second pictograph. Are you ready to answer a few questions by reading the chart? Okay, let's go. How many students like to have a burger? Click the correct option. Yes, what is the answer? 7. Number 1. Item is chosen by the least number of students. Least matlab sabse kam. Click the correct option. Yes, look at the pictograph and give your answer. Yes. Ma'am, biscuit. And biscuits. Students who like idlis less than the number of students who like sandwiches. Yes, अब इसको click the correct option. Calculate करके बताइए जल्दी से। क्या आंसर आएगा? 3, 4, 6. Ten, six. बेटा इसमें क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इडली? इडली कितने? 6 लोगों को पसंद है। स्टूडेंट लाइक सैंडविच, तो सैंडविच जितने हैं उसमें से माइनस करेंगे हम इडली के नंबर्स को, कितना? Which snack item is liked by the maximum number of students? Click the correct option. Yes. Ma'am sandwich. Ma'am sandwich. Yes, correct answer. We had a wonderful time with pictographs, didn't we? Now, why don't you try to draw some picture graphs on your own? Have fun! Itna aa gaya aapko samajh mein? The following pictograph shows the number of family members who like different beverages. Tea kitne logon ko pasand hai? काउंट करके बताओ जल्दी से। 2 एंड 2 एंड 2 वेरी गुड। मिल्क 2 एंड 6 मैम 6 मैम 6 वेरी गुड। 5 ओके। कॉफी मैम 4 यस 4 ओके। नाउ इट इज क्लियर। तो मैम ने जो आपको असाइनमेंट दिया था उसका, उसमें हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी फ्रूट्स की पिक्चर ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर या तो हम इमोजी बना सकते हैं या इस तरीके से पिक्चर बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे यू कैन डू दैट वन। आपको जो इजी लगता है आप कर सकते हो, ठीक है? क्लियर? नाउ क्वेश्चंस। विच बेवरेज इज द मोस्ट पॉपुलर अमंग द फैमिली मेंबर्स? फैमिली मेंबर्स को कौन सा ड्रिंक सबसे अच्छा लगता है? देख के बताओ जल्दी से। मैं मिल्क
मिल्क का हम एम लिख देते हैं. हाउ मेनी मेंबर्स लाइक जूस? फैमिली मेंबर. सबसे कम कौन सा ड्रिंक को? ओके. इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. समझ में आ गया सब? गुड. यस मैम. तो जो एक एक्टिविटी हमने भेजी है आप लोगों ने, उसी को इस तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में हमको बनाना है. क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड. सानवी सिंह, अनम्यूट योर माइक. सानवी सिंह, सानवी सिंह कोई रिस्पॉन्स नहीं है. क्लास में हो या नहीं बेटा? यस मैम. बेटा क्लास में हो या क्लास के बाहर हो? मैम इज आस्किंग समथिंग बट यू आर नॉट रिप्लाइंग. ओके. अब नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सपेंशन लर्निंग. ठीक है, तो अभी मैम सारे बच्चों को काम नहीं दे रही है, कुछ बच्चों को काम दे रही है, किसी को कुछ देगी, इस तरीके से हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा. राइट? मानसी अनम्यूट योर माइक बेटा. यस मैम. यस बेटा. ओपन योर बुक पेज नंबर 155. ओपन द बुक पेज नंबर 155. Got it, बेटा? उसमें एक एक्टिविटी बनी हुई है, बॉटल्स एंड बकेट्स. Got it, बेटा? Yes, ma'am. तो आपको इस एक्टिविटी को करके मैम को सेंड करना है. ठीक है बेटा? अब आप ये बताइए कि आपको पीपीटी बनाना आता है? पीपीटी बनाना आता है बेटा आपको? यस मैम. आपके पास दोनों चॉइस. अगर आपको पीपीटी बनाना आता है तो आप इस तरीके से पीपीटी बना सकते हैं उसका, और अगर नहीं बनाना आता तो आप इसका A4 साइज में बनाकर आप पिक्चर क्लिक करके मैम को सेंड कर सकते हो. ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो करना चाहो वो कर सकते हो. आपको टेबल फॉर्म में बनाना है, लेस देन वन ऊपर हेडिंग डाल देना, बॉटल्स एंड बकेट्स, और दो एक टेबल बनेगा, लेस देन 1 लीटर और मोर देन 1 लीटर. ठीक है, तो आप इसमें नंबर्स और एड कर सकते हो. इसमें एक एग्जाम्पल दिया है बोल, इसमें लेस देन में और मोर देन में बिग कुकिंग पॉट, तो इसकी जगह आप और दूसरे नाम को ऐड कर सकते हो पिक्चर्स में देख के, बकेट, बॉटल, मग, कड़ाही, इस तरीके से आप
टेन और कोई भी यूटेंसिल्स के नेम को मेंशन करके कर सकते हो, ठीक है बेटा? और कोई डाउट हो आपको तो, और कुछ डाउट है तो आप मुझे अपने पर्सनल विंडो पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है? यस मैम। ओके बेटा। यस आयुषी। यस मैम। अच्छा पहले ये बताइए मुझे कि पीपीटी कौन कौन बच्चे बना लेते हैं इस क्लास में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस किस को आता है बनाना? आयुषी आपको आता है बेटा? ओके वेरी गुड। और किसी को आता है क्या मैम? पीपीटी क्या होता है? पीपीटी क्या होता है? माधव को आता है। माधव को आता है, वेरी गुड वेरी गुड। मैम माधव को आता है, वेरी गुड। इसमें क्या करते हैं बेटा हम कि एक ऑप्शन दिया होता है कंप्यूटर में, तो उसके थ्रू हम एक पीपीटी पे अपनी इंफॉर्मेशन बनाकर लिख सकते हैं, उसका हम स्लाइड शो कर सकते हैं और अपनी चीज शेयर कर सकते हैं, सारे बच्चे देख सकते हैं उसको। आयुषी नाउ ओपन पेज नंबर 156। मैम कर लिया ओपन। इसमें है मैच द राइट पेयर। मैम क्या है इसमें? मैच द राइट पेयर। तो ये वाला आपको एक्टिविटी करना है, ठीक है? चाहो तो आप इसका पीपीटी बेटा एक मिनट आनंद वर्मा रुक जाइए, आप चाहो तो इसका बेटा पीपीटी बना सकते हो और चाहो तो उसको A4 शीट में ड्रॉ करके बना के पिक्चर क्लिक करके मैम को भेज सकते हो, ठीक है? जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हो, ठीक है? क्या करोगे इसमें, ये जो दिए हुए हैं ना वाटर टैंक बकेट, ये इसको अपने को बताना है कि किसमें कितनी कैपेसिटी का पानी कितनी है, कितने लीटर आ सकता है, ठीक है? ऊपर आप हेडिंग क्या डालोगे? कैपेसिटी। हेडिंग क्या डालोगे बेटा आयुषी? नोट कर लो कहीं फिर गलत ना हो जाए, कैपेसिटी, ठीक है? कि मतलब किस कंटेनर में कितनी कैपेसिटी है, कितने लीटर्स पानी उसमें आ सकता है, ठीक है? क्लियर बेटा? ओके मैम पीपीटी का टॉपिक क्या है बेटा? अभी सबको नहीं बता रही हूँ मैं, कुछ कुछ को बता रही हूँ। कविश, कविश अनम्यूट योर माइक। यस मैम। कैमरा ऑन करो बेटा। क्या मैम? कैमरा ऑन करिए अपना। मैम दोस्त एक सेकंड हेडफोन ले रहे। मैम अभी हेडफोन ले रहे, दो सेकंड। क्या मैम? बेटा आपने वो मैसेज डाला था ना पॉट्स बनाने का, वो आपके बन गए पॉट्स? मैम बस अभी उस पे कलरिंग बाकी है। ओके बेटा। मैम आज कलरिंग करके आपको सेंड कर देंगे। ओके वेरी गुड बेटा। मैम पीपीटी क्या होता है? वो मैं आपको फिर बताती हूँ, अभी आप अपना क्ले मॉडलिंग का पॉट्स बना लीजिए ना, ठीक है? वो जरूरी नहीं है कि सभी को बनाना, वो इट इज नॉट कंपलसरी, सबको बनाना कंपलसरी नहीं है, जिसको आता है वो बना सकता है, ठीक है? ओके बेटा। यस आज हिंदी का पीरियड लगा था आप लोगों का? यस Yes, हिंदी वाली मैम ने कुछ वर्क दिया आप लोगों को? यस मैम दिया है। यस मैम एक्सपीरियंस लर्निंग के लिए मैम ने वर्क दिया है? यस मैम यस मैम एक्सपीरियंस लर्निंग के लिए क्या करने के लिए दिया है? एक कोई बोलेगा, सब बोल रहे हैं तो मैडम को कंफ्यूजन हो रहा है। मानसी आप बताइए बेटा।
यस मैम। क्या बोलती है मैम? कविता या कहानी बनानी है हिंदी में या फिर एक कहानी बना के उसे चित्र के माध्यम से समझाना है या मिट्टी या क्ले के बर्तन बना के भेजना है। Yes. और मैम बर्तनों के बारे में लिखना है। Yes. तो आपको क्या करना है, या तो आप पोएम को सिलेक्ट कर सकते हैं कविता हिंदी में, या आप हिंदी में कहानी सिलेक्ट करके बना सकते हैं। अनंत वर्मा ओके मैम। यस मैम। अनंत बेटा उस दिन आप एब्सेंट थे और रेगुलर क्लास अटेंड किया करो, मिस हो जाता आपका। उस दिन मैम ने ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट किए थे, आप एब्सेंट थे। यस मैम मैं जोर से ओके कोई बात नहीं। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का टॉपिक है जग्स एंड मग्स यूटेंसिल्स, उस पे हमको ग्रुप बनाए थे मैम ने। आप किसके ग्रुप में थे? अंश आपके ग्रुप में था ना अंश? यस मैम। तो आप अंश के ग्रुप में हो, ठीक है? ओके मैम। तो आपको अनंत पीपीटी बनाना आता है ना आपको? यस मैम आता है। तो आप जो भी बनाओगे कविता या कहानी वो पीपीटी पे आप बना सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है? Okay, अगर आता है तो, नहीं तो आप पेपर में लिख के सबमिट कर सकते हो। ये काम आपको प्रफुल्लता मैम को सबमिट करना है, ठीक है? किसको सबमिट करना है ये हिंदी वाला काम? आपको आपकी हिंदी वाली मैम को पर्सनल विंडो पे सबमिट करना है। क्लियर? यस मैम। ओके मैम। जितना जल्दी बनाना आता है अर्जुन। ओके बेटा आई गिव यू सम वर्क, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना करके सबमिट कर देना। बहुत टाइम नहीं लगाना है कि एक महीना और 10 दिन और 15 दिन। जितना जल्दी जिसका काम हो जाएगा वो हिंदी वाली मैम के पर्सनल विंडो पे सेंड कर देना। क्लियर? ओके अर्जुन नाउ अनम्यूट योर माइक। यस मैम। ये जो हमारा चैप्टर है जग्स एंड मग्स, उससे रिलेटेड आप कोई भी पीपीटी बना सकते हो, ठीक है? ओके मैम। आप क्या ले सकते हो? डिफरेंट कैपेसिटी के यूटेंसिल्स की पिक्चर्स, उसमें कितना हीटर कैपेसिटी है, कितना वाटर आ सकता है, वो आप उस तरीके की आप एक पीपीटी दो, जो भी जितना बनाना चाहो बना सकते हो। राइट? ओके मैम। क्लियर? यस मैम। ओके बेटा, और ये काम जितना जल्दी हो जाएगा मैथ्स का वो मेरी पर्सनल विंडो पे आप लोग भेजते जाइएगा, ठीक है? और बाकी हिंदी वाला हिंदी वाली मैम के पास भेजना है। ओके मैम। मैम और आपको ईवीएस ठीक है, फिर बाकी का काम मैम कल बताएगी, कल की क्लास में आपको बताएगी। अभी हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं चार्ट्स मेकिंग वाला। राइट? कहां तक हो गया था हमारा? मैम मेरी एक्टिविटी है ना, दोबारा भेजना है क्या? बेटा मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें से अगर आपने नहीं किया है तो आपको फिर दोबारा भेजना होगा। 10 पीपल से ज्यादा किया होगा तो फिर दोबारा सेंड करना होगा। ओके मैम। और युवराज अभी आप मीटिंग लेफ्ट मत करना, लास्ट मुझे आपसे बात करना है, रुकना युवराज लास्ट में, ठीक है? ओके मैम। हाँ मीटिंग को लीव मत कर देना। यस नाउ पेज नंबर 182। पेज नंबर 182। यस अर्जुन रीड दिस क्वेश्चन। यस मैम। आस्क योर फ्रेंड अबाउट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन देयर होम। यस मैम। पीपल लिविंग इन देयर हाउस होम्स Will in the table should
I make a smart chart about smart horses living together. Table read karo. Yes, ma'am. Number of people living together. One alone, two people, three people, four people, five people, six people, seven people, eight people. How many families? Yes. Okay, read the next page, question number three. Yes, ma'am. What have your classmates bought for lunch today? Find out, note down. Yes. अब ये भी हमारा स्कूल तो नहीं चल रहा, तो हम ये एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे कि कौन लंच में क्या लाता है क्या नहीं लाता है, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, डाटा हैंडलिंग वाली हैं, जो अभी हमने किया था कि हम कोई एक सर्वे करते हैं या कोई बात कर लेते हैं लोगों से, 10 लोगों से या 10 फ्रेंड्स से या 10 फैमिली मेंबर्स से, तो हम एक डाटा बना लेते हैं कि कितने लोग अकेले रह रहे हैं, कितने लोग फैमिली में टुगेदर रह रहे हैं, किसके घर में कितने लोग रह रहे हैं। इसी तरीके से ये कि कौन लंच में क्या ला रहा है, कौन किस चीज को पसंद करता है, जैसे मैम ने लास्ट क्लास में फेवरेट स्वीट्स का कराया था और अभी हमने एक्टिविटी की है फेवरेट फ्रूट्स की, उसका हमको पिक्टोग्राफ भी बनाना है और बनाकर भेजना है, राइट। इस तरीके से इसमें ये सारी चीजें बनी हुई हैं। ओपन पेज नंबर 184, उसमें भी दूसरी एक्टिविटी है, मैं ओरली मैम आपको समझा देती है। पेज नंबर 184। मैम अनंत पर मैंने निकाल ली। वेरी गुड। तब ने भी निकाल मैम अर्जुन ने निकाल लिया। इसमें एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में क्या दिया हुआ है, क्लासेस दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट कि उस क्लास में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है और पर्टिकुलर डेट पर कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, राइट। तो इन क्लास 1 27 स्टूडेंट्स हैं टोटल और प्रेजेंट कितने हैं 25 और एब्सेंट हैं 2। इस तरीके से सभी का इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब हमको क्या करना है, अब हम इसका एक बना रहे हैं, क्या बना हुआ है बुक में कि क्लास 1 में कितने एब्सेंट हैं, तो एब्सेंटीज की 2 फोटो बना दी हमने, 2 इमोजी बना दी। क्लास 2 में 1 एब्सेंट है तो 1 बना दिया। क्लास 3 में कितने हैं, 3, 4 में 4, 5 में 2। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्लास 5 में कितने एब्सेंट हैं, देख के बताओ टेबल में। तो हमको कितना कितना बनाना है यहाँ पर नीचे क्लास 5 के आगे, 2। बना लो जल्दी से पेंसिल से अपनी बुक में, कंप्लीट इन योर बुक। मैम क्या लिखना है, वेरी गुड बेटा।
मैं तो बाथरूम जाऊंगी, मुझे बाथरूम जाना है। Very good. Mam, an entire mass done. Mam, you write done. It is done. It is done. Okay, we two questions are left. How many children in all are there in the school? तो क्लास वन से लेकर फाइव तक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है वो जल्दी से ऐड करके बताओ मैम को। वन टू वन वन टू वन 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 ट्वेंटी वन हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेजेंट ट्वेंटी वन यस हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेजेंट उसको टोटल एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट उसको टोटल करो मैम ट्वेल्व थ्री फाइव सेवन मैम ट्वेल्व यस ट्वेल्व वेरी गुड सिक्स मैम ट्वेल्व ट्वेल्व वेरी गुड मैम वन जीरो नाइन अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट करेंगे द क्लास विद द हाई पेज नंबर 185 पेज नंबर 185 द क्लास विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज सबसे ज्यादा किस क्लास में स्टूडेंट एब्सेंट हैं उसमें लिखो क्लास फोर क्लास वेरी गुड लिखो क्लास फोर मैम एन ट्वेल्व डन मैम यू आर डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज प्रेजेंट सबसे कम किसमें एब्सेंट है क्लास टू वेरी गुड द क्लास विद थ्री स्टूडेंट एब्सेंट किस क्लास में थ्री स्टूडेंट एब्सेंट है मैम क्लास थ्री क्लास थ्री राइट डाउन क्लास थ्री राइट डाउन क्लास थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन क्लास फोर्थ एंड क्लास फिफ्थ आर स्टूडेंट एब्सेंट है क्लास फोर्थ और फिफ्थ में और टू फोर एंड टू वेरी गुड ओके वी विल कंटिन्यू टुमारो आगे का हम कल की क्लास में करेंगे नाउ We will conclude our class with Shanti part. Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram to all of you. Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram.
व्हाट इज यू आई एम मैम पीयू के ग्रुप में क्या करना है बेटा अभी कल बताएंगे बाकी बच्चों को कल बताएंगे मैम अभी जब तक तो साया मैम थैंक यू मैम बाय बाय मैम मैम आप क्या बोल रही हो जब तक जो हिंदी वाली मैम ने काम दिया है ना उसको कंप्लीट कर लो ठीक है फिर मैम इसका आपको बताएगी मैम ओके मैम सायरम मैम शिवम एक बात पूछे यस मैम शिवम वो एक्टिविटी दोबारा भेज सकता है यस बेटा यू कैन ओके मैम थैंक यू